ऑपरेटर को अदिश के साथ सिंपल प्रोडक्ट करने पर, साधारण गुणा करने पर अदिश प्राप्त होता है। अगर किसी हम अदिश राशि जैसे फाई के ऊपर अगर डेल ऑपरेटर करें, सिंपल मल्टीप्लाई करें, ये डिनोट किया जाएगा डेल फाई या ग्रेडियंट फाई, ग्रेडी फाई, तो हम ग्रेडियंट फाई भी बोलते हैं और ये एक सदिश होगा ग्रेडियंट पाई, या इसको हम बोलते हैं प्रवणता पाई। यह एक सदिश राशि होगी। व्हेन डेल ऑपरेटर इज सिंपली मल्टीप्लाइड ऑन ए स्केलर क्वांटिटी, देन इट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी एन बी एन कैन बी रिटन एज जी आर ए डी फाई, दैट इज ग्रेडियंट फाई। डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर पर डॉट गुणा यानी कि अदिश गुणा करने पर में स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। और इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर इक्वल टू पी आई वी वेक्टर यानी डाइवर्जेंस वेक्टर यह एक अदिश राशि होगी। डेल कैन बी ऑपरेटेड ऑन ए वेक्टर बाय डॉट प्रोडक्ट एंड इट विल गिव स्केलर क्वांटिटी, डेल डॉट वी वेक्टर कैन बी रिटन एज डी आई वी वेक्टर, दैट इज डाइवर्जेंस वी वेक्टर। डेल ऑपरेटर को वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस गुणा करने पर वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगी। इसको लिखते हैं हम डेल क्रॉस वेक्टर इक्वल टू कर्ल वेक्टर इस प्रकार से हम डेल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। डेल ऑपरेटर कोई भौतिक राशि नहीं है, अतः के ऊपर फैक्टर नहीं लगाते हैं।
न्यूमरिकल की हेल्प से अब हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उदाहरण वन, फाइंड टेंजेंट की स्पर्श रेखा एट कर्व गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस वन, y इज इक्वल टू 40 माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 6 एट इक्वल टू। तो कोई कर्व है जिसका पॉइंट एक्स वाई जेड इन गिवन इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, तो हमें t इज इक्वल टू पर टेंजेंट निकालना है कि टेंजेंट क्या होगा। क्वेश्चन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन कर्व एट टाइम टी आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन आई कैप प्लस 40 माइनस 3 जे कैप प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 6 के कैप। हम जानते हैं कि जब हम किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो उस वेक्टर के हेड पर टेंजेंट को शो करता है। वी नो दैट डी आर वेक्टर ओवर डी टी विल गिव टेंजेंट स्पर्श रेखा एट द पॉइंट ऑफ कर्व ऑन टाइम टी। तो डी आर ओवर डी टी इक्वल टू ट्वाइस आई प्लस 4 जे प्लस 4 माइनस 6 के। हेंस टेंजेंट ऑन टी इज इक्वल टू विल बी डी आर ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू इट बिकम्स 4 आई प्लस प्लस ट्वाइस के is the answer. Example number 2. If r cap is a unit vector then prove dr over dt is perpendicular to
आर कैप ओवर डी टी इज परपेंडिकुलर टू आर कैप वेयर आर कैप इज फंक्शन ऑफ टी। सॉल्यूशन वी नो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर सो आर कैप डॉट आर कैप इक्वल टू वन डॉट वन कॉस जीरो दैट इज वन। इसको आर कैप टी का फंक्शन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया आर डॉट आर कैप और राइट हैंड साइड में टी ओवर डी टी वन। डॉट प्रोडक्ट का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टी आर कैप ओवर डी टी डॉट आर कैप प्लस आर कैप डॉट टी आर ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटेड होता है यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसके टू आर कैप डॉट टी आर ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव तो आर कैप डॉट डी आर कैप ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आर फंक्शन है टी का इसलिए डी आर ओवर डी टी इक्वल नहीं हो सकता, डी आर कैप ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस आर कैप इज परपेंडिकुलर डी आर कैप ओवर डी टी एज देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। प्रूव दैट रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन बाई डी आर ओवर डी टी एंड आर डी थीटा ओवर डी टी रेस्पेक्टिवली। सिद्ध करो कि एक तल में गतिमान कण के वेग के त्रिज्य व अनुप्रस्थ घटक क्रमशः डी आर ओवर डी टी व आर डी थीटा ओवर डी टी होते हैं। हमें प्रूव करना है माना कोई कण
पॉइंट पर है और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर है आर कैप, जो फंक्शन है टाइम का, और ये एक तल में गति कर रहा है। अब इस v वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसकी रेडियल डायरेक्शन में r और एक रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर, और इन दोनों के हमें मैग्नीट्यूड प्रूव करने हैं। dr का मैग्नीट्यूड dr ओवर dt है और v का मैग्नीट्यूड आर डी थीटा ओवर डी टी कहलाएगा। मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में ये आर वेक्टर की जगह हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया अब आर कैप प्लस डेल्टा आर कैप, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है डेल्टा आर कैप। एंगल जो इसने कवर किया है वो है डी। माना कण का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि मूव कर रहा है इसलिए फंक्शन होगा टाइम का, ये वेग v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर को लिखते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर कैप, दैट इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी टी डी आर कैप ओवर प्लस डी आर ओवर डी टी आर कैप। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट को बताएगी और सेकंड रेडियल कंपोनेंट को बताएगी। अतः राइट हैंड साइड सेकंड टर्म आर कैप दिशा में है इस कारण वेग का रेडियल कंपोनेंट यानी कि त्रिज्यीय घटक डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी आर कैप एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, ये प्रूव हो गया त्रिज्यीय घटक डी आर ओवर डी टी होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। डी आर कैप ओवर डी टी की दिशा आर कैप के
परपेंडिकुलर होती है, जैसा अभी हमने पहले एग्जाम्पल में प्रूव किया था। अतः राइट हैंड साइड की प्रथम फर्स्ट टर्म अनुप्रस्थ वेग वेक्टर इक्वल टू आर डी आर कैप ओवर डी टी होगा, तथा इसका मैग्नीट्यूड डी टी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर डी आर कैप ओवर डी टी मैग्नीट्यूड होगा। ये होगा आर डी आर कैप ओवर डी टी। अब हमें डी आर कैप ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। चित्र में देखिए अगर डी टी टाइम में स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा कवर किया है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस से अनुसार इसको हम अलग बना लेते हैं। यूनिट वेक्टर की टर्म में अगर ये है आपका आर कैप यूनिट वेक्टर और अब डेल्टा टी टाइम में ये चेंज हो गया आर कैप प्लस डेल्टा आर कैप डेल्टा आर कैप डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो गया और एंगल जो इसने कवर किया वो हो गया डेल्टा थीटा और इस सब वे टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू जो लगा काफ़ी स्मॉल टाइम लगा चित्रानुसार डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस और आर कैप का मैग्नीट्यूड वन होता है सो इट बिकम्स डेल्टा आर कैप ओवर वन इक्वल टू डेल्टा आर कैप मॉडुलस। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा थीटा टेंड्स जीरो एंड डेल्टा आर कैप nearly equal to r cap is nearly equal to d theta. अतः d r cap over d modulus is equal to d theta over dt. अर्थात ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी टी। इक्वेशन वन और टू से हमने प्रूव कर दिया कि रेडियल कंपोनेंट डी आर ओवर डी टी होगा और ट्रांसवर्स कंपोनेंट आर डी थीटा ओवर डी टी होगा।